जय माता दी दोस्तों, राधे राधे। आज नवरात्रों का षष्ठम है, यानी कि छठा दिन है। नवरात्रि के प्रत्येक दिन श्री दुर्गा सप्तशती के प्रत्येक अध्याय का पाठ किया जाता है। श्री दुर्गा सप्तशती में कुल 13 अध्याय हैं। श्री दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ या तो एक साथ करना चाहिए, अन्यथा नवरात्रों के पहले 7 दिन प्रत्येक अध्याय का पाठ करना चाहिए। जैसे कि नवरात्रों के पहले दिन श्री दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का, दूसरे दिन श्री दुर्गा सप्तशती के दूसरे एवं तीसरे अध्याय का, और तीसरे नवरात्र पर चौथे अध्याय का पाठ करना चाहिए। इस तरह नवरात्रि के चौथे दिन 5वें, 6वें, 7वें और 8वें अध्याय और नवरात्रि के 5वें दिन 9वें और 10वें अध्याय का पाठ किया जाता है। नवरात्रि के 6ठे दिन श्री दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ किया जाता है। दुर्गा सप्तशती के अलग अलग अध्यायों का अपना अपना महत्व होता है। जैसे कि 11वें अध्याय व्यापार व सुख संपत्ति की प्राप्ति के लिए, कारोबार में हानि हो रही हो, पैसा नहीं रुकता या बेकार के कामों में नष्ट हो जाता है तो इसका पाठ करें। भक्तों, आज नवरात्रि का 6ठा दिन दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का श्रवण करने से पहले हमेशा की तरह जय माता दी लिखकर कमेंट अवश्य करें, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें। कहिए जय माता दी, लिखिए जय माता दी। देवताओं का देवी की स्तुति करना और देवी का देवताओं को वरदान देना, आइए सुने। दैत्य के मारे जाने पर इंद्रादि देवता अग्नि को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति के कारण उनके मुख खिले हुए थे। देवताओं ने कहा, हे शरणागतों के दुख दूर करने वाली देवी, तुम प्रसन्न हो। हे संपूर्ण जगत की माता, तुम प्रसन्न हो। विंध्येश्वरी, तुम विश्व की रक्षा करो, क्योंकि तुम इस चर और अचर की ईश्वरी हो। हे देवी, संपूर्ण जगत की आधार रूप हो, क्योंकि तुम पृथ्वी रूप में भी स्थित हो और अत्यंत पराक्रम वाली देवी हो। तुम विष्णु की शक्ति हो और विश्व की बीज परम माया हो, और तुमने ही इस संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है। तुम्हारे प्रसन्न होने पर ही यह पृथ्वी मोक्ष को प्राप्त होती है। हे देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। इस जगत में जितनी स्त्रियां हैं वह सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। एकमात्र तुमने ही इस जगत को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति किस प्रकार हो सकती है, क्योंकि तुम परम बुद्धि रूप हो और संपूर्ण प्राणी रूप स्वर्ग और मुक्ति देने वाली हो। अतः इसी रूप में तुम्हारी स्तुति की गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे बढ़कर और क्या युक्तियां हो सकती हैं। संपूर्ण जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हे नारायणी देवी, तुमको नमस्कार है। काला काष्ठा आदि रूप से अवस्थाओं को परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा प्राणियों का अंत करने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, संपूर्ण मंगलों के मंगल रूप वाली, हे शिवे, हे संपूर्ण प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली, हे शरणागत वत्सला, तीन नेत्रों वाली गौरी, तुमको नमस्कार है। सृष्टि स्थिति तथा संहारव की शक्तिभूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व सुखमयी नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे शरण में आए हुए शरणागतों, दीन दुखियों की रक्षा में तत्पर, संपूर्ण पीड़ाओं को हरने वाली हे नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, तुम ब्रह्मानी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती हो तथा कुश से अभिमंत्रित जल छिड़कती रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। माहेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली हे महावृषभ वाहन वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों तथा मुक्कुटों से घिरी रहने वाली, महाशक्ति को धारण करने वाली हे कौमारी रूप धारिणी निष्पाप नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शंख चक्र गद भर श्रांग धनुष रूप आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम हम पर प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। हे दांतों पर पृथ्वी धारण करने वाली वाराह रूपिणी कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे उग्र नरसिंह रूप से दैत्यों को मारने वाली, त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है।
हे मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उज्ज्वल, वृत्रासुर के प्राण हरने वाली ऐन्द्री शक्ति, हे नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे शिव दूति स्वरूप से दैत्यों के महामत को नष्ट करने वाली, हे घोर रूप वाली, हे महाशब्द वाली, हे नारायणी तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंडमर्दिनी, चामुंडा रूपी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे लक्ष्मी लज्जा महाविद्या, श्रद्धा पुष्टि स्वधा, ध्रुवा महारात्रि तथा महाविद्या रूपा नारायणी तुमको नमस्कार है। हे मेधा सरस्वती, सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्य रूपिणी, पार्वती महाकाली, नियंता तथा ईश्वर रूपिणी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे सर्व स्वरूप सर्वेश्वरी, सर्वशक्ति युक्त देवी, हमारी भय से रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। हे कात्यायनी, तीनों नेत्रों से भूषित यह तेरा सौम्य मुख, सब तरह के डरों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। हे भद्रकाली, ज्वालाओं के समान भयंकर, अति उग्र एवं संपूर्ण असुरों को नष्ट करने वाला तुम्हारा त्रिशूल हमें भयों से बचावे, तुमको नमस्कार है। हे देवी, जो अपने शब्द से इस जगत को पूरित करके दैत्यों के तेज को नष्ट करता है, वह आपका घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करे जैसे कि माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है। हे चंडके, असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित जो आपकी तलवार है, वह हमारा मंगल करे, हम तुमको नमस्कार करते हैं। हे देवी, तुम जब प्रसन्न होती हो तो संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती हो, और जब रुष्ट हो जाती हो तो संपूर्ण वांछित कामनाओं को नष्ट कर देती हो, और जो मनुष्य तुम्हारी शरण में जाते हैं उन पर कभी विपत्ति नहीं आती, बल्कि तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को आश्रय देने योग्य हो जाते हैं। अनेक रूपों से बहुत प्रकार की मूर्तियों को धारण करके इन धर्मद्रोही असुरों का तुमने संहार किया है, वह तुम्हारे सिवा और कौन कर सकता था। चतुर्दश विद्याएं, षट शास्त्र और चारों वेद तुम्हारी ही प्रकाश से प्रकाशित हैं, उनमें तुम्हारा ही वर्णन है, और जहाँ राक्षस विषैले सर्प शत्रुगण हैं वहाँ और समुद्र के बीच में भी तुम साथ रहकर इस विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करने वाली विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण जगत को धारण करती हो, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश की भी वंदनीय हो। जो भक्ति पूर्वक तुमको नमस्कार करते हैं वह विश्व को आश्रय देने वाले बन जाते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न हो और असुरों को मारकर जिस प्रकार हमारी रक्षा की है, ऐसे ही हमारे शत्रुओं से सदा हमारी रक्षा करती रहो। संपूर्ण जगत के पाप नष्ट कर दो, और पापों तथा उनके फल स्वरूप होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर कर दो। विश्व की पीड़ा को हरने वाली देवी, शरण में पड़े हुओं पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, हम लोगों को वरदान दो। देवी ने कहा, हे देवताओं, मैं तुमको वर देने को तैयार हूँ, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा वर मांग लो, मैं तुमको दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, त्रिलोकी के निवासियों की समस्त पीड़ाओं को तुम इस प्रकार हरती रहो और हमारे शत्रुओं को इसी प्रकार नष्ट करती रहो। देवी ने कहा, वैवस्वत मन्वंतर के 28वें युग में दो और महासुर शुंभ और निशुंभ उत्पन्न होंगे। उस समय मैं नंदगोप के घर से यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर शुंभ और निशुंभ का संहार करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर मैं वैप्रचित्ति नामक दानवों का नाश करूंगी। उन भयंकर महासुरों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार पुष्प के समान लाल होंगे। इसके पश्चात स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। फिर जब 100 वर्ष तक वर्षा न होगी तो मैं ऋषियों के स्तुति करने पर आयोनिज नाम से प्रकट होंगी और अपने 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। उसी समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए प्राणों की रक्षा करने वाले शाकों द्वारा सब प्राणियों का पालन करूंगी, और तब इस पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से विख्यात होंगी। और इसी अवतार में मैं दुर्ग नामक महाअसुर का वध करूंगी, और इससे मैं दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध होंगी। इसके पश्चात जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय निवासी ऋषियों महर्षियों की रक्षा करूंगी, तब भीमा देवी के नाम से मेरी ख्याति होगी। और जब फिर
अरुण नामक असुर तीनों लोकों को पीड़ित करेगा। तब मैं असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। तब स्वर्ग में देवता और मृत्युलोक में मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे भ्रामरी नाम से पुकारेंगे। इस प्रकार जब जब पृथ्वी राक्षसों से पीड़ित होगी, तब तब मैं अवतरित होकर शत्रुओं का नाश करूंगी। भक्तों, इस प्रकार दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय संपूर्ण होता है। आशा है आपको आज की हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी। जय माता दी लिख कर इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नवदुर्गा की कथाएं, दुर्गा सप्तशती के अन्य अध्याय और आध्यात्मिक वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब करिएगा। अभी मुझे अनुमति दीजिए, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय माता दी।